नमस्कार अमृतनों, आप देख रहे हैं छोटी पाठशाला, आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी ये जो स्थान है ये है काशी विश्वविद्यालय का कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों के जो इंक्वायरीज है वो रिलेटेड रहते हैं कि सर BHU UG का जो फाइनल रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो कब से स्टार्ट होगा, तो मैं आपको भी कन्फर्म करूँगा, पूरा डिटेल में समझाऊँगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग पूरी बात जो मेरी है वो ध्यान से सुनोगे। स्टार्टिंग में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको जितने भी ऑफिशियल्स अपडेट हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि पहले वीडियोज़ के साथ, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले पूरा 1.5 महीने तक हम लोग आपके लिए वीडियो कवर करेंगे। देखो ये है जहाँ पे आपकी पूरी काउंसलिंग जो है प्रोसेस है ना वो पूरा कंप्लीट होना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको कन्फर्म कर रहा हूँ पूरा एक डिटेलिंग जो मैंने यहाँ पर बात करी है आपके UG पोर्टल के लिए। BHU UG पोर्टल जो है वो PG के बाद स्टार्ट होगा, और PG जो है वो बंद हो चुका है, लेकिन PG का करेक्शन विंडो जो है वो अभी बाकी है। तो 5 और 6 को यहाँ का करेक्शन विंडो जो है वो स्टार्ट होने वाला है, मतलब 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो जो है वो आने वाला है। तो कुछ यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र जो आपका जो जैसे आप UG फॉर्म जो भरते हो तो आपका जो पेमेंट लिया जाता है वो एक गेटवे के थ्रू बैंक में सबमिट होता है, डिपॉजिट होता है। तो ऐसा कुछ है डिस्कशन अप्रूवल टाइप का कि हाँ बैंक जैसे अप्रूवल देता है बस तुरंत ही लोग आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। तो आई थिंक 4 दिन में मैक्सिमम 4 डेज में, 4 to 5 डेज में, ठीक है, क्योंकि जल्दी तो उससे भी है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के ऑफिशियल्स का कहना ये है कि हमारी कोशिश है कि और जल्दी हो जाए, बस हमारा पोर्टल रेडी है सब कुछ, ठीक है, बस वो बैंक के अप्रूवल पे डिपेंडेंट है थोड़ा सा। उधर से जैसे ही हाँ होगा हम लोग पोर्टल स्टार्ट कर देंगे, लेकिन मैक्सिमम जो टाइम है वो है कितना, 4 दिन। कहने का मतलब ये है कि इस बार अच्छी बात यह है कि चलो BHU UG काउंसलिंग भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ऑलरेडी DU ने स्टार्ट भी कर दिया है, और भी यूनिवर्सिटी धीरे धीरे प्लानिंग कर रही हैं। मैं आपको जैसे जैसे यूनिवर्सिटी स्टार्ट करेगा ना वैसे वैसे बताऊँगा, क्योंकि जो बच्चे नंबर कम होने की वजह से हताश हो जाते हैं, डर जाते हैं, जबकि मैं आपको बार बार बोलूँगा कि इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं कि अगर आप सही मायने में अगर थोड़ा सा भी दिमाग कॉन्शियसनेस के साथ अपना काउंसलिंग अगर कराते हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं अवेयर रहो, अपडेटेड रहो, तो आपका एडमिशन कहीं ना कहीं होना ही है, और भी अच्छे जगह पे हो जाएगा। आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर देखिएगा, मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखो यहाँ का तो पूरा ऑफिशियल जो आपका कट ऑफ आएगा ना वो भी मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा कि फाइनली देखो 230 जा रहा है, फर्स्ट पे इतना इंड हुआ है, अब इसके बाद 10 नंबर घटेगा। ये तमाम चीज़ें जो मेरे वीडियोज़ होते हैं ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं ऑफिशियल्स चीज़ों, क्योंकि मैं यहाँ पे आके आपके लिए पता कर लेता हूँ। जैसे आज देखो मैंने कन्फर्म कर लिया, मेरा डॉक्यूमेंट वाले वीडियो आपने देखा ही होगा, क्योंकि UG काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि अभी 4 से 5 दिन में पोर्टल स्टार्ट होने की संभावनाएं नज़र आ रही है, तो ऐसे में आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं तो उसका वीडियो इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने पूरा वो डॉक्यूमेंट बता रखा है कि काउंसलिंग में ये डॉक्यूमेंट लगेगा। कुछ बच्चे जो अगर आप लोग डॉक्यूमेंट नहीं बनवाओगे ना तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आप लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है, और फॉर्म भरने में भी बहुत सारे ऐसे आइकन्स होते हैं हॉस्टल को लेके, कुछ और स्पेशल कैटेगरीज को लेके, स्पोर्ट्स कोटा कोई लगा रहा है, कोई NCC लगा रहा है, तो इन तमाम चीज़ों को बिना समझे आप लोग फॉर्म मत भरो। ये नहीं कि आप YouTube पे किसी का वीडियो देख लिए और बहुत भरोसा कर लिए। देखो जब तक ग्राउंड लेवल पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, जो आपको बहुत अच्छा जो आपको समझा नहीं सकता है, जो आपको बता नहीं सकता है, फिर आप उनके वीडियोज़ देखोगे तो गलती करोगे। देखो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि क्योंकि देखो इस वीडियो में इसलिए इतना समझा रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार इतना नहीं समझाऊंगा हर वीडियो में, मुझे जो बातें बतानी मैं बताऊंगा निकल जाऊंगा। प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो के साथ आप माइंड में इतना बैठा लो कि मेरे वीडियो ज़रूर देखने, क्योंकि मैं आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं होने दूंगा। भर सक कोशिश करूंगा कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं ऑफिस में जाके इन्फॉर्म करूं, बताऊं कि हाँ देखो यहाँ पे गलती है, ये चीज़ें आप सही करवा दो, मतलब आपकी जितनी हेल्प हो सकेगी वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो BHU के इस तरीके के जो चैनल्स हैं जो ऐसे ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं आपके लिए, ऐसे ऑफिशियल्स अपडेट ला के देते हैं, तो मुझे लग रहा है ऐसे चैनल को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से कि चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा, ठीक है, और डॉक्यूमेंट अपना प्रिपेयर कर लो, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में। कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरा इंस्टा आईडी है नीरदर्शन, जितने UG के बच्चे हैं आप जाके फॉलो करो, वहाँ पे आप अपना DM करो, मैं खुद अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दूंगा, मेरे पर्टिकुलर टाइम दिए गए टाइम पे आप कॉल करोगे तो मेरे से बात भी कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस यहाँ पे बस ओरली जो बोल रहा हूँ, जो आप मुझे विजुअल देख पा रहे हो उतना ही है, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को यानी आपके स्कोर की बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ की जो काउंसलिंग है ये तमाम चीज़ें मैं खुद सजेस्ट करूँगा, अगर आप चाहोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेमेंट नहीं लगने वाला है।
और डिस्क्रिप्शन में काउंसलिंग वाला नंबर है, जो बच्चे भी घर बैठे अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हैं, जैसे आप साइबर वाले के पास जाके कराओगे तो वो काम आप घर बैठे भी करा सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ भी है, एक नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप कर दो और आप वहाँ पे वो लोग खुद ही आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे, कोई उसकी टीम है, 3-4 एक्सपर्ट टीम है BHU के ही स्टूडेंट्स हैं, वो लोग आपको हेल्प कर देंगे। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि ये तमाम चीज़ें अपने माइंड में रखो। UG के बच्चे हो, थोड़ा एक्सपीरियंस कम होता है, लेकिन आपके हेल्प के लिए हम लोग पूरे 24 आवर्स लगे हुए हैं, 1.5 महीने जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाती, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, पूरा लगे रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप सभी से निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर, आपके भला है, आपका इसमें भला है, आपका फ़ायदा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसा ही अपडेट कुछ होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, कोई अपडेट मिस ना होने सके, जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आपको बता दूंगा, और आते ही फॉर्म नहीं फिलअप करना है, जब बोलूंगा तब फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। हर हर महादेव, मुस्कुराते रहिए।